हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय शुभम पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो वेटलॉस के गोल्डन रूल के बारे में है। और कुछ रूल होते हैं वेटलॉस के, उसके बारे में हम विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा जो वेट था पहले बहुत बढ़ा हुआ था और उसके बाद मैंने डाइटिंग करना शुरू कर दिया और फिर मेरा जो वेट है वो कैसे धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक मेरा 28 से 29 किलो तक वेट कम हुआ है और अभी भी मेरी कोशिश जारी है और थोड़ा और वेटलॉस करने की। स्कूल के समय में भी बहुत मोटा था और उसके बाद कॉलेज शुरू हुआ, कॉलेज में भी मेरा जो वेट है वो बढ़ता ही गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पर जाकर बहुत सारे वीडियो देखा वेटलॉस के बारे में और कुछ जो गूगल पे भी मैंने रिसर्च किया कि जो वेट कैसे लूज करना है। इस लॉकडाउन में तो कोई वैसे काम ही नहीं था। और आपने देखा हुआ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाते बहुत है, जितना भी खाए उन वो मोटा ही नहीं होते। और कुछ कुछ के जो बॉडी में ऐसे चेंजेस दिखता है जो कम खाते हैं लेकिन वो उनका वेट जो ज्यादा होता है, ज्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा होता है। स्वीकार भारद्वाज की ये यूट्यूब चैनल है और उनका मैं जो वीडियो देखता था तो उनसे ही मैं मोटिवेटेड हुआ वेटलॉस करने के लिए। और उनका जो वीडियो में वो बोलते हैं कि 32 बार चबा चबा कर खाना है और आराम से खाना है, कोई डिस्टर्ब नहीं। खाने के समय आपको अपने खाना पर कंसंट्रेशन बनाकर रखनी चाहिए और डिस्टर्ब मत होना खाने पे। और जल्दी 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 ऐसे नहीं, आपको आराम से धीरे 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 करके चबा चबा कर आपको खाना है। तो उनके बहुत सारे वीडियो हैं तो वो क्या कैसे वेटलॉस होता है उसका जो प्रोसीजर है उन्होंने भी सारे बताया हुआ है और उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ वेटलॉस के लिए। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है कि ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। तो इसका मतलब है कि आपको जब भी भूख लगे तभी ही आपको खाना खाना है। देखिए कि आपको भूख नहीं लग रही है तो खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जब भी आप भूख लगे, ज्यादा भूख लगे तभी ही आप खाना खा सकते हैं। और इसका एक दूसरा रूल है ईट ओनली व्हेन यू आर लाइक। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी पसंद है, आपकी मन पसंद की जो खाना है आपको खाना चाहिए। और जो तीसरा गोल्डन रूल है वो ये है कि डोंट ईट मैकेनिकली और अनकॉन्शियसली। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी खाना खाना है वो कॉन्शियस होकर खाना है और पूरा जो अपने खाना पर पूरा कंसेंट्रेशन फोकस लगा के आपको खाना है और धीरे 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 उसको चबा चबा कर खाना है। और जो चौथा रूल है वो ये है कि स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल। तो इसका मतलब ये है कि आपको जब भी लगे कि आपका पेट भरा हुआ है, फुल हो गया है तो उसके बाद खाने को बंद कर देना है, खाना ही नहीं है। ओवर ईटिंग करने से ही वेट गेन होता है और आपका जो वजन है वो बढ़ता जाता है। हमारा जो बॉडी है उसमें एक ग्लैंड होता है, उसका नाम होता है सेटिएटिक ग्लैंड। और उस ग्लैंड का काम यह है कि वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि बस हो गया, इतना ही खाओ, आपका पेट फुल हो गया। तो ये जो ग्लैंड है जो ब्रेन को जो सिग्नल भेजता है, तो ये हम खाते हैं खाना खाने के 15 से 20 मिनट बाद ये जो ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करता है। तो उसका पहले ही हम खाना को खत्म कर देते हैं 5-10 मिनट में, तो वो जो ग्लैंड जो सिग्नल भेजता था वो तो सिग्नल दे ही नहीं पाता है।
तो इसी कारण ही हम जान नहीं पाते कि हमारा जो पेट भर गया है या नहीं। तो इसीलिए जो रूल है कि आप खाना को 32 बार हो सके तो चबा चबा कर आपको खाने चाहिए, और आपको 32 बार चबाने में टाइम तो लगेगा, तो 15 से 20 मिनट तक आपको खाना खाना है। और इस बीच आपको वो जो हार्मोन सीक्रेट होगा तो आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंच जाएगी, और वो तभी आपको खाना और नहीं है और आपका पेट भर जाएगा। तो उस समय जो सिग्नल मिलता है तो हमको एक डकार आती है ना, तो वही जो खास जो डकार आती है वो ही खाना बंद करने की सिग्नल होती है। हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। एटलीस्ट हो सके तो 15 से 20 मिनट तक आपको खाना खाना है, धीरे धीरे करके वो जो खाना है उसको एंजॉय करके आपको खाना है। और उस धीरे धीरे खाने से ही जो खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में मुंह में पानी बनकर जाएगा और आपके जो पेट के अंदर जाएगा। और मेरा जो पिछला वीडियो था वेटलेस जर्नी के बारे में था, और अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना। और थैंक यू, मिलते हैं मेरा जो दूसरा वीडियो में। थैंक यू, बाय। Thank you.